अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 7 पाठाचे नाव आहे बदलणं म्हणजे। विद्यार्थी मित्रांनो, परिच्छेद 1 मध्ये भाग 1 मध्ये आपण पाहिलं की अखेर दुसरं पेन घेऊन काम सुरू केलं। इतपर्यंत आपण पाहिलं। परिच्छेद क्रमांक 2 व भाग 2 मध्ये आपण पाहणार आहोत हे पेन काहीसं वजनदार आहे, त्याचं वळण काही पहिल्या पेन सारखं नाही, रंगही तेवढा शोभेशा नाही, शाई थोड़ी फिकटच वाटते। यानी उन्होंने जो पेन लिया था वो जो पेन था वो कुछ वजनदार था, वजनी था और उसकी लिखावट भी लिखाई भी पहले पेन जैसी नहीं आ रही थी और उस पेन का रंग भी इतना खास इतना अच्छा नहीं था और उसकी शाई जो थी, इंक जो थी वो भी जो कैसी थी, फिकट थी, फिकी थी। अक्षर ही किरट येत आहे अशी काही वैगुण्य त्यात दिसू लागली। अक्षर ही किरट, यानी किरट इसका मतलब यह है कि बारीक अक्षर जो पढ़ते नहीं आता है उसे किरट कहते हैं। अक्षर जो है बारीक था और वो जो है पढ़ने लायक भी नहीं आ रहा था, ऐसी बहुत सारी खामियां उसमें नजर आ रही थी। त्यास त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एकसारखं वाटू लागलं और ऐसा सोचा कि ये पेन जो है इसमें बहुत सारी खामियां है और इस पेन को नहीं वापरना चाहिए ऐसा उन्हें लगने लगा। एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातील व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही, तिच्याशी संवाद करता आला नाही कि आपण अस्वस्थ होतो, तसंच काहीसं झालं। और एखादी जो है बहुत ही अपने करीबी व्यक्ति होती है जिसे हम बहुत चाहते हैं, वो अगर हमें दिन भर में एक बार भी नहीं मिली तो हम जो है कैसे हो जाते हैं कि कब मिले और कब नहीं। उसी तरीके से इनका जो पेन गुम हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि ये पेन कब मुझे मिले और मैं कब इसे इस्तेमाल करूं। पुनः तसंच काहीसं झालं। पुनः एकदा ठरवलं की ते काही नहीं पूर्वीचं फाउंटेन पेन शोधून काढायचं और उन्होंने फिर सोचा कि कुछ नहीं, अब जो है कुछ भी हो जाए मैं जो पहले का जो पेन था उसे ही ढूंढ कर निकालता हूँ। असे कुठंतरी कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात, पण ते शोधायचंच, आश्चर्य नव्हे, खरोखरच दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करता येईना। और वो कहने लगे कि कहाँ ढूंढना, हो सकता है एखादी ड्रावर के कप्पे में या किताब में कहीं ना कहीं रखा गया होगा। और दूसरा पेन हाथ में लेकर जो है लिखाई नहीं आती है, मनाला ही मरगळ वाटू लागली और दिल भी बेचैन होने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा। पहला ही पेन जो है बहुत अच्छा था। कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो, ताज्या शुद्ध हवेत फिरून यावं म्हणजे जरा बरं वाटेल। और ऑफिस से आने के बाद, कार्यालय से ऑफिस से वापस आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा बाहर फिर कर आएंगे, खुली हवा में, साफ हवा में घूम कर आएंगे, इसलिए थोड़ा हमें जो है अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं। अल्लाह हाफिज़।